बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उनवान है सबक नंबर 3, देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। इस सबक में हम ये देखेंगे कि देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क क्या होता है, यानी कि देहात से शहरों की तरफ लोग जो है वह नकल मकानी के क्यों करते हैं, वो कौन सी चीज़ें जो कि गाँव में होती है और यहाँ पर नहीं होती है, जो शहरों में होती है और गाँव में नहीं होती। तो इस सबक की हम जो है वो रीडिंग करना शुरू करते हैं। अहमद सातवीं जमात में पढ़ता है, वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है। इसके ननिहाल गांव में है। ननिहाल का मतलब होता है आपके जहाँ जो नाना बुआ नानीमा वगैरह उनकी तरफ से। गर्मियों की तातीलात में तातीलात छुट्टियों हुआ करते हैं। मैं अहमद और उसका भाई बिलाल और नन्नी बहन आयशा अपने वालिदैन के साथ गाँव आए। वो गाँव के करीबी कस्बे में बस से उतरे। अहमद के मामू जान ने इनका इस्तकबाल किया, वो उन्हें टांगे पर बिठा कर गाँव ले आए। सड़क के दोनों तरफ धान के भरे हरे भरे खेत थे। धान जो है वो गंदम कहते हैं कि उसके जो है वो हरे भरे खेत जो है वो वहाँ पे उगे हुए थे। वो गांव की हरी भरी फिजा देखकर बहुत खुश हुए। वो गांव में जो है वो उसकी आबो हवा वहाँ पे जो है वो मौसम देख कर जो बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद तंगा गाँव की हदूद में दाहिर हुआ। हदूद कहते हैं लिमिट्स को, यानी कि वहाँ जहाँ से गाँव शुरू होता है वहाँ पर जो है वो दाहिर हुआ। वो तांगे से उतर कर पूरा मोहल्ला उनको गांव में खुशाम दीद करने के लिए मौजूद था। वो तांगे से उतरे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो है वो सारे लोग वहाँ मौजूद थे। अहमद और बिलाल अपने मामू साथ भाई हसन के साथ खेतों की तरफ चले गए। अहमद और बिलाल जो है वो खेतों में गए धान की फसल को पानी देने के लिए। ट्यूबवेल चल रहा था वहाँ पर, जो वो ट्यूबवेल चल रहा था, वो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे, ताज़ा दम को मतलब वह फ्रेश हो चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। अजान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद का रुख किया। नमाज से फारग होकर घर पहुँचे तो मुमानी जान दस्तरखान पर खाना चुन रही थी। थोड़ी देर बाद सब दस्तरखान पर बैठ के खाना खाने के दौरान बातचीत भी होती रही। आइए हम भी इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, यानी कि हम लोग देखते हैं कि वो उन लोगों में जो है वो क्या बात हुई थी। ओके अहमद, मुमानी जान अभी तो शाम हुई है और आपने रात का खाना भी लगा दिया, आप लोग रात का खाना इतनी जल्दी खा लेते हैं, वो ये पूछता है। मुमानी जान, अहमद मियाँ हम देहाती लोग हैं, हमारे यहाँ रात को जल्द सोने और सुबह जल्द उठने का रिवाज है। शहरों के तो लोग रात देर तक जागते रहते हैं, इसलिए वो रात का खाना भी देर से खाते हैं। अच्छा, मुमानी जान ने ये उसको बताया कि जो है वो गांव में लोग क्योंकि जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए रात का खाना भी जो है वो जल्दी खा जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे यहाँ जो है वो शहरों में इस तरह लोग नहीं करते। हसन, मैंने अपनी किताब में पढ़ा कि रात को जल्द सोना और सुबह जल्द उठना सेहत के लिए बहुत मुफीद है, हसन ये कहता है। नाना जान, शायद इसलिए गांव के रहने वाले ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। अहमद, नाना जान मैंने सुना है कि शहर के लोगों के मुकाबले में गांव वालों की सेहत बेहतर होती है, इसकी क्या वजह है? अब ये सवाल जो है वो अहमद ने किया है। नाना जान बताते हैं कि भाई देहाती लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, सारा दिन काम में लगे रहते हैं। देहाती खवातीन भी सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। वो घर का सारा काम काज अपने हाथों से करती हैं, मुर्गियों गाय भैंस और दीगर पालतू जानवरों की देखभाल करती हैं, फसलों की कटाई बुवाई और उन्हें समेटने में भी मर्दों का हाथ बटाती हैं। अच्छा, फसलों की कटाई यानी कि उनको काटना, बुवाई यानी कि उनकी जो है वो उनको बोना, बीज वगैरह उनके जो है वो डालना ज़मीन में, और ये सारा कुछ होता है, और समेटने में भी मर्दों के साथ मर्दों का हाथ बटाती हैं। जबकि शहरों में रहने वाले लोगों शहरों में रहने वालों की इस कदर मुशक्क़त काम नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि देहात में रहने वालों की सेहत बेहतर होती है और वो अमूमन दुबले पतले होते हैं। तो ये वजह जो है वो गांव के लोगों की सेहत की ये वजह होती है। अहमद के अब्बा जान, वाकई देहातियों के सेहत काबिल रश्क होती है। इस काबिल रश्क का मतलब है कि जिसको देख कर जो है वो खुशी और रश्क हो उनके ऊपर। इसकी वजह हालिस और ताज़ा खुराक भी है। यहाँ के रहने वालों को ताज़ा सब्ज़ियाँ फल और हालिस गज़ाएँ मैसर होती हैं। मैसर का मतलब होती है अवेलेबल होती हैं। शहरों में ये सब चीज़ें गायब होती जा रही हैं। हसन, मैं जब लाहौर गया था तो मैंने वहाँ बहुत से लोगों को तंग तंग घरों में रहते देखा है। अब हसन कह रहे हैं कि जो लाहौर, अब लाहौर जो है वो एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन वो बता रहे हैं कि वहाँ पे लोग जो हैं वो तंग तंग घरों में रहते हैं। इन घरों के सहन तो थे ही नहीं, और वो ये भी बता रहे हैं कि उन घरों में जो है वो सहन भी नहीं थे। अहमद के अब्बा जान, बात यह है कि गाँव में लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह का कोई मसला नहीं, ये वजह है कि देहात में ज़्यादातर घर खुले खुले होते हैं। इसके बरक्स शहरों में जगह की कमी है, इस वजह से बहुत से लोग छोटे छोटे मकानों में रहने पर मजबूर हैं। देहात में ज़्यादातर घर एक मंजिला हैं, जबकि शहर में कई कई मंजिला इमारात जो है वो मौजूद हैं। कई इमारतों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, यानी कि वो इमारतें इतनी बुलंद हैं, इतनी छोटी हैं कि वहाँ पर जो है वो सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। बिलाल, मामू जान मेरे अबू जान कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं
और ताया अबू एक दफ्तर में मुलाजमत करते हैं, चाचा जाने कारखाने में काम करते हैं, आप लोग क्या काम करते हैं? वो बता रहे कि हम लोग जो है वो शहरों में ये सारा कुछ करते हैं और आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं? मामू जान, देहात के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, जो कुछ लोग मुलाजमत भी करते हैं मगर इनकी तादाद बहुत कम है। यानी कि मामू जान ये बता रहे हैं कि देहात के ज़्यादातर लोग हैं वो खेती बाड़ी भी करते हैं लेकिन उनकी जो तादाद है वो बहुत कम है, यानी कि वो लोग बहुत कम है। हसन, आप खेती बाड़ी का काम कैसे करते हैं? हसन ये पूछ रहे कि आप लोग खेती बाड़ी का काम कैसे करते हैं? मामू जान, पहले खेती बाड़ी का सारा काम बैलों से लिया जाता था, बैलों की मदद से खेतों में हल चलाते थे, कुओं से पानी निकालते, गंदम की गहाई करते, मगर अब इनकी जगह पर मशीनें और आलात आ गए हैं। ट्रैक्टर और इनसे चलने वाली जरिए मशीनों ने खेती बाड़ी के काम को बहुत आसान और तेज तर कर दिया है। इस तरह आप कुएं बहुत कम नजर आते हैं क्योंकि इनकी जगह ट्यूबवेल ने ले ली। अब जो मामू जान है वो ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने किस किन किन चीज़ों के साथ बदलनी है और हमें जो है वो आसानी हो रही है। बिलाल, मैंने तो सुना था देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं होता, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं है। अब बिलाल जो है क्योंकि वो गांव में आया तो वो देख रहे हैं कि यहाँ पे कच्ची सड़कें भी नहीं है, यहाँ पे टेलीफोन भी है और वगैरह वगैरह वो सब कुछ है, जो उसने सुना था कि गाँव में नहीं होता। नाना जान, बिलाल बेटे, आज से कुछ अर्सा पहले देहात ऐसे ही थे जैसा तुम बता रहे हो, अब देहात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। कच्चे मकान की जगह लोगों ने पुख्ता मकान बना लिए, पुख्ता का मतलब होता है पक्के मकान बना लिए, यानी कि ईंटों के और सीमेंट के मकान बना लिए। देहात में सड़कों का जाल भी फैला दिया गया है, यानी कि सड़कें भी बना दी गई हैं। बहुत से देहात में बिजली पहुँचा दी गई है, फ़ोन मोबाइल फ़ोन तो अब हर गाँव में नज़र आता है। ठीक है ममानी जान, जब मैं लाहौर गई थी सब्ज़ा देखने को तरस गई थी, हर तरफ मकानात, कारोबारी मराकज़, बाज़ार वगैरह करते हैं, दुकानें कारखाने तक नज़र जाती, सड़कें और इन पर दौड़ने वाली गाड़ियां ही गाड़ियां। सच पूछे तो मेरा दम ही घुटने निकलने लगा था। इधर हमारे घर से बाहर निकलो तो जहाँ तक नज़र जाती है हरे भरे लहराते हुए खेत ही खेत नज़र आते हैं। अब ममानी जान की बात बता रही हैं क्योंकि वो गांव में रहती हैं, जब वो गांव से लाहौर गई थी तो उन्होंने कहा कि मुझे वहां पे जो है वो गांव की तरह कुछ भी नज़र नहीं आया था। नानी जान, मैं भी शहर जाने के से बहुत घबराती हूँ, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखकर मेरा भी दिल घबराने लगता है, इनके शोर से मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है, धुआं फिजा को इस कदर आलूदा कर देता है कि सांस लेना दोबर हो जाता है। मैं शहर के रहने वालों को दाद देती हूँ, भाई बड़ा हौसला है इन लोगों का जो इस माहौल में रह रहे हैं। अभी नानी जान ने बताया क्योंकि वो भी गाँव में रहती हैं। अहमद के अब्बा जान, असल में शहरों की आबादी में बेतहाशा इजाफा हुआ है, पहले देहात में 75 यानी 75% लोग रहते थे, देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के बढ़ते हुए रुझान को की वजह से अब 70% से भी कम लोग देहात में रह गए हैं। जब किसी जगह लोग ज़्यादा होंगे तो गाड़ियाँ और शोर भी ज़्यादा होगा, ये जो है वो अहमद के अब्बा जान कह रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो शहर में रहते हैं तो उन्हें पता है कि लोग जो है वो शहरों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। हसन, फूफा जान, लोग देहात से शहरों में क्यों जाते हैं? वो पूछा कि लोग देहात से शहरों में क्यों जाते हैं। अब अहमद के अब्बा जान, देहात में कारोबार के मौके कम होते हैं, लोग कारोबार की रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। अच्छा, उसने ये बताया कि जो गांव में है लोगों के पास जॉब्स नहीं होती, उनको जो है कारोबार के लिए जो है वो शहर का रुख करना पड़ता है। इसके अलावा शहरों के मुकाबले में देहात में तालीम और सेहत की सहूलतें भी कम है। अभी देहात में जो है वो अस्पताल नहीं होते, शहरों में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह जो है वो सिटीज़ में ज़्यादा होती है। बहुत से तालिबे इल्म तालीम हासिल करने की गर्ज से शहरों के स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले लेते हैं। इस तरह बेहतर इलाज मुआवजे के लिए भी लोग शहरों की तरफ जाते हैं। इन सब चीज़ों से शहरों की आबादी बढ़ती चलती जा रही है। हसन, हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं, हर शख्स दूसरे को जानता है, शहर तो बहुत बड़ा होता है, वहाँ तो सबको जानना बहुत मुश्किल होता होगा। अहमद की अम्मी जान, बेटा शहर तो इंसानों का सर के समंदर है, वहाँ की ज़िंदगी बहुत तेज़ है, लोग अपने अपने काम धंधों में बुरी तरह उलझे हुए हैं, बाज़ अवकात तो लोग अपने हमसाए तक से बेखबर होते हैं, क्योंकि अहमद की अम्मी जान जो है वो शहर में रहती हैं इसलिए वो जानती हैं, वो लोग बता रही हैं। हसन, अच्छा फूफो जान, ये तो बड़ी अजीब बात है, पता है पिछले साल हमारी भैंस बीमार हो गई, पूरा गांव इसके मतलब पूछने हमारे घर आया था। हसन जो कि गांव में रहता है वो ये बता रहा है। नाना जान, भाई देहात का अपना रहन सहन और शहरों का अपना, देहात के अपने फ़ायदे हैं और शहरों के अपने, देहात और शहर दोनों तरक्की करेंगे तो हमारा प्यारा वतन तरक्की करेगा। हुकूमत अगर देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलियात मुहैया कर दे, इस तरह देहात में कारखाने लगा दिए जाएँ तो कोई आदमी गाँव छोड़ कर शहर का रुख नहीं करेगा। अहमद के अब्बा जान, मैं आपको एहसान दानिश की एक नज़्म के आखिरी दो शेर सुनाता हूँ। इस नज़्म में उन्होंने देहात और उसके रहने वाले मेहनती लोगों की बहुत तारीफ़ की है। अभी तो नीचे आपकी बुक में शेर लिखा हुआ है, एहसान दानिश साहब का शेर है और वो कहते हैं, वाह देहात के सादा तमद्दुन की बहार, सादगी में भी है क्या क्या तेरा दामन ज़र निगार, दिल यह कहता है फिराक अंजुमन सहने लगूँ, शहर की रंगीनियाँ छोड़ूं यहीं रहने लगूं।
तो ये जो है वो शेर है। अब इसके ऊपर आप लोगों को इस चैप्टर की रीडिंग से ये पता चला है कि शहरों से लोग देहातों से लोग शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं, शहरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, देहात में क्या फ़र्क है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़, कौन कौन से मौके, कौन कौन सी हमें जो है वो चीज़ें देहात में मिलती हैं, कौन कौन सी हमें जो है वो शहरों में मिलती हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी मशक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो है वो कुछ मुश्किल अल्फाज आए थे रीडिंग के दौरान, हमने इस चैप्टर का खुलासा देखा कि वो क्या क्या कुछ इस चैप्टर में बयान किया हुआ है। नेक्स्ट अब इसकी मशक की जाएगी। तो अगर कोई पॉइंट आप लोगों को समझ नहीं आया, कोई मिसिंग